सो वेलकम बैक टू आर चैनल गाइज, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आज जो गाड़ी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो है न्यू महिंद्रा थार। और आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास है डीजल वेरिएंट, तो पर्सनली अगर आप लोग मेरा ओपिनियन लेना चाहते हो 2021 महिंद्रा थार के साथ में, तो मेरे को मेरी गाड़ी से बहुत प्यार है। इस गाड़ी को मैं हर जगह जाऊँ चला के लेके आ चुका हूँ, और पर्सनली बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी को चलाने के बाद मेरे को मन नहीं करता कि मैं अपने गैराज में जाके अपनी किसी और गाड़ी को जाऊँ चलाऊँ या फिर कहीं पर लेके निकलूँ, क्योंकि ये गाड़ी है एक बीस्ट और इसको चलाने का बहुत ही So guys, आज जिस गाड़ी के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो महिंद्रा थार ही है, लेकिन वो मेरी वाली महिंद्रा थार डीजल नहीं है। आज जो मैं आप लोगों को गाड़ी दिखाने वाला हूं वो है महिंद्रा थार पेट्रोल वेरिएंट। अब बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे यार पेट्रोल वेरिएंट है डीजल वेरिएंट है, दोनों के दोनों सेम होते हैं, क्योंकि दोनों गाड़ियों में आप लोगों को जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर आप मेरा ओपिनियन लेते हो हाँ आप लोगों को जो फीचर्स है वो सेम मिलते हैं, लेकिन अगर आप लोग एक मेजर चीज के बारे में बात करते हो वो है परफॉर्मेंस। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं पेट्रोल वेरिएंट अगर आप लोग परचेस कर रहे हो महिंद्रा थार का, तो आप लोगों को क्या क्या चीजें जो है वो हटके और अपग्रेडेड मिलने वाली है। चलाने का अपना ही मजा है, लेकिन अगर आप लोग पेट्रोल वेरिएंट के बारे में बात करते हो पेट्रोल वेरिएंट बहुत पावरफुल आप लोगों को मिलता है, 150 bhp की पावर एट 5000 rpm आपको मिलता है। अगर आप टॉर्क के बारे में बात करते हो 320 nm का आप लोगों को टॉर्क मिलता है, यानी कि आप लोगों की जो परफॉर्मेंस हाईवे पे है जो कच्ची रोड में है और जो ऑफ रोडिंग के साथ में है वो आप लोगों की बरकरार रहेगी। और इसी के साथ में मैं पर्सनली कहना चाहूंगा कि पेट्रोल वेरिएंट में आप लोगों को बहुत जबरदस्त वाला मजा आने वाला है। गाइज इस गाड़ी में आप लोगों को केवल पावर ही ज्यादा नहीं मिलती है, इस गाड़ी का जो इंजन है वो भी आप लोगों को जो है बिल्कुल लेटेस्ट वाला मिलता है। तो आप लोगों को इस गाड़ी के साथ जो इंजन मिलता है वो है हाईटेक लेटेस्ट टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन, यानी कि आप लोगों का जो BS6 का इंजन है जो कि आप लोगों की गाड़ी की परफॉर्मेंस तो बढ़ा ही देता है और साथ ही साथ में नेचर का भी ध्यान रखता है। आप लोगों की गाड़ी के जब इंजन में इतनी जबरदस्त रिफाइनमेंट हो और साथ ही साथ में आप लोगों की गाड़ी की इतनी जबरदस्त पावर हो, तो वो आपकी गाड़ी के लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर दिल्ली वालों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक पेट्रोल वेरिएंट उनके लिए एक आइडियल चॉइस है, और साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे नेचर पार्क्स है जहां पर पेट्रोल SUV ही अलाउड है। तो गाइस अब बारी आती है इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने की, और अब मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत फन आने वाला है इस गाड़ी को चलाने के लिए। तो आप लोग जो है अब मेरे साथ सीधे गाड़ी के अंदर जुड़ोगे, सो मिलते हैं। सो गाइज हम दोनों वाइफ हस्बैंड जो है वो इंजॉय कर रहे हैं पेट्रोल वेरिएंट महिंद्रा थार को, और मैं लिटरली बताना चाहूंगा कि हम लोगों का जो मिथ था ना दिमाग में पेट्रोल वेरिएंट को लेके कि पेट्रोल वेरिएंट के साथ में आप लोगों को उतना पावरफुल इंजन नहीं मिलता या फिर उतना अच्छा टॉक नहीं होता, लेकिन मेरे इस मिथ को पूरा खत्म हो गया। यानी कि ऑफ रोडिंग को लेके कि भैया ये गाड़ी ऑफ रोडिंग में लेके जा सकते हैं पेट्रोल वेरिएंट को कि नहीं, तो भाई ये मिथ तो मेरा टूट चुका है। इस गाड़ी को आप बिल्कुल जो है ऑफ रोडिंग में लेके जा सकते हो, और साथ ही में मतलब इस गाड़ी को जब मैं ड्राइव कर रहा था ना मेरे को ऐसी फील आ रही थी कि गाइस मतलब कहते ना कि एकदम एक्सेलेरेशन किया और आप लोगों को जो एकदम से फील आई ऐसे पीछे आपका सर जैसा लगा, तो मतलब वो पावर वाली जो चीज है वो इस गाड़ी के अंदर हमें फील है। गाड़ी एकदम बीस्टी कार है, बीस्ट कार है, बीस्ट कार है भाई इसके अंदर, मतलब वो मजा हम लोगों को आ रहा है। और अभी हम लोग रेड लाइट पे रुके हुए, तो हर किसी की जो नजर है वो हमारी गाड़ी के ऊपर है, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है भाई थार जब आप चला रहे हो तो पावर का जो मजा होता है ना वो तो अंदर होता ही है। तो भाई मैं पर्सनली आप लोगों को जो है ना मतलब इसका एक नेक्स्ट चीज बनती जो करनी है वो ये है कि इस गाड़ी से हम लोग 0 to 100 भी ट्राई करेंगे, 100% है ना, 0 to 100 हम लोग करने वाले। कंपनी क्या क्लेम करती है, कंपनी जो क्लेम करती है दैट इज 10.20 सेकंड्स। स्टे ट्यून्ड, अब नेक्स्ट आप वही देखने वाले। तो गाइस आप लोगों ने 0 to 100 हम लोगों को करते हुए देख लिया, एंड आई होप कि आप लोगों को जो है पूरा एक आइडिया मिल गया होगा
पिकअप और पावर वाला जो फील था वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का था। कंपनी क्लेम करती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, 10.20 सेकंड्स। और अगर आप लोग कंपेयर करते हो और कन्वेंशनल जो आप लोगों की एसयूवीज है जो सेम सेगमेंट की है, तो उनसे ये काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतर है और नेक्स्ट लेवल का जो है पूरा मज़ा आता है। और पर्सनली मैं बताना चाहूँगा कि भाई मतलब इस बीस्ट को ड्राइव करने के बाद एक जो फीलिंग थी वो बहुत एक्सट्रीम थी, और 0 to 100 जो टच हुआ वो बहुत ही अच्छे कहते हैं ना कि टाइम पीरियड में जो है टच हुआ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। ओ माई गॉड, क्या फीलिंग थी इस पेट्रोल वेरिएंट को चलाने की, जबरदस्त वाली बीस्ट है ये। और पहले मैं महिंद्रा थार का 100% वाला फ़ैन था, लेकिन पेट्रोल वेरिएंट चलाने के बाद मैं 1000% वाला फ़ैन जो इसका बन चुका हूँ। और मैं पर्सनली आप लोगों को एक चीज़ कहूँगा कि आप लोग वेट किस चीज़ का कर रहे हो, आज ही जाके आप लोगों ने टेस्ट ड्राइव करनी है महिंद्रा थार पेट्रोल वेरिएंट की, और #explorethe impossible।